तो चलिए नमस्कार दोस्तों। अगर आपका भी लैपटॉप बिल्कुल स्लो इंटरनेट चलता है तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से 4G इंटरनेट चला पाओगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसानी से आपको ये ट्रिक समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि हमारे लैपटॉप में होता क्या है। हम कोई भी इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट में क्या होता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज हो रहे हैं, अदरवाइज़ हमारे पास वो ड्राइवर उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि हमारे पास वो ड्राइवर नहीं होता है जिसकी वजह से हम अपना इंटरनेट फास्टली चला सकें। तो आज मैं आपको वही ड्राइवर डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं। तो प्लीज़ यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, और सिंपली गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा सर्च बार में चले जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च बार में आ जाते हो, सर्च बार में आने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ वर्ड टाइप करने होंगे, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। तो एक और बार सुन लीजिए, आपको यहाँ पर टाइप करना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर ये जो आपको ड्राइवर मिलने वाला है 4G इंटरनेट का। तो सिंपली भी जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, आपको भी टाइप कर देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक फर्स्ट वेबसाइट आएगी, तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको, और कहीं नहीं जाना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने फोर सिस्टम एडमिन वाला ऑप्शन ऊपर की साइड में दिख रहा होगा, तो एक बार देख लीजिएगा। तो ये ऑप्शन क्या होता है कि हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के लिए किन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तो इसलिए हमारा फोर सिस्टम एडमिन पे क्लिक कर देना है सिंपल। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। तो सिंपली हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल नीचे आ जाना है आपको। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद सिंपली आपको बता दूँ, आपको ये जो ड्राइवर है वो सिंपली लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ड्राइवर की ज़रूरत है वो यहाँ पर सभी मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 4G इंटरनेट का वाईफाई का ड्राइवर डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम मुझे स्क्रॉल करते नीचे लाना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा WAN 4G, तो WWAN 4G, तो आपको ये वाला ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है। तो इससे होगा क्या, आपका जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंटरनेट काम करते हैं तो वो फास्टली काम करना शुरू कर देगा। तो आपको यहाँ पर या फिर आपके लैपटॉप में अगर आप सर्च करते हैं ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, तो आपको कुछ अलग तरीके का भी मिल सकता है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि यही सेम मिलेगा, तो वो आपके सिस्टम के ऊपर है कि आपको यहाँ पर ये कैसा मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो यहाँ पर इसका वर्जन भी दिखाया जा रहा है 21.02.3, तो इसका ये वर्ज़न है। तो अब सिंपली यहाँ पर हमें ये मिल जाता है लगभग 150 MB के करीब, लगभग 153 MB मिल जाते हैं यहाँ पे। तो अब इस ड्राइवर को डाउनलोड करने के लिए सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं सिंपली आपको यहाँ पर ये डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल रहा है। अब हमें 4G इंटरनेट के लिए ड्राइवर डाउनलोड करना है, तो सिंपली हमें करना क्या होगा, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गलती मत कीजिएगा, कहीं कोई और ड्राइवर डाउनलोड कर लो। तो सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद वो आपका ऑटोमेटिकली आपका वो ड्राइवर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये ड्राइवर डाउनलोड हो रहा है, तो मैं आपको एक बार चेक भी करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ड्राइवर है वो हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के लिए 4G इंटरनेट के लिए आराम से ये ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई तरीके की वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।